आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का तीसरा दिन है। वही तीसरा संस्करण यहाँ पर शुरू हो चुका है और कई दिन इसके बीत भी चुके हैं। इसके लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसी मौके पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही नीलामी के उपहारों को देखा। रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए प्रतिष्ठित और यादगार उपहारों की ई नीलामी का तीसरा संस्करण 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। स्मृति चिन्ह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए स्पोर्ट्स गियर और उपकरण शामिल हैं। ई नीलामी की दिलचस्प कलाकृतियों में अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृति, चार धाम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मॉडल मूर्तियां, पेंटिंग और अंग वस्त्र शामिल हैं। संस्कृति मंत्रालय के GMM में नियमित तौर पर प्रतिवर्ष होता है। देश के भीतर या देश के बाहर जो भी पारितोषिक उनको मिलते हैं, उन सब का वो विधिवत इस स्थान पर आकर्षण करते होता है और उससे जो भी धन आता है वो नमामि गंगे कार्यक्रम में जाता है। ई नीलामी के चरण में लगभग 1330 स्मृति चिन्हों की ई नीलामी की जा रही है। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंटिल और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा के इस्तेमाल भाले सबसे अधिक आधार मूल्य वाले आइटम हैं। इन प्रत्येक आइटम का आधार मूल्य 1 करोड़ रुपए है। सबसे कम कीमत वाली वस्तु एक छोटे आकार का सजावटी हाथी है जिसकी कीमत 200 रुपए है। अच्छी हिस्सेदारी करने का अवसर है और जो भावनाओं से जुड़े हुए पारितोषक प्रधानमंत्री जी को मिले हैं वो अगर हमारे घरों में सुसज्जित होंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर और क्षण होगा। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नमामि गंगे के जरिए से माँ गंगा के संरक्षण के लिए मिलने वाले सभी उपहारों को नीलाम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने अक्सर गंगा को देश की सांस्कृतिक गौरव और आस्था के प्रतीक के रूप में ही दर्शाया है। उत्तराखंड के गौमुख के उद्गम स्थल से लेकर पश्चिम बंगाल में समुद्र विलय होने तक गंगा नदी को देश की आधी आबादी के जीवन की समृद्धि का आधार बताया गया है। टीम न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।